नमस्ते टीचर जी, नमस्ते। नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ? मैडम जी, हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इतने ज्यादा शरारती है कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। और हम जितने टीचर को उनको पढ़ाने के लिए घर पे बुलाते हैं, ये सब कुछ न कुछ अगड़म तगड़म करके उनको भगा देते हैं। सुकीर्ति के सामने तो बड़े बड़े स्टूडेंट सुसु कर देते हैं। अब तो आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। कोई बात नहीं, कल से अपने बच्चों को हमारे ट्यूशन सेंटर में भेज देना। अबे यार, अब इस नई वाली मैडम के पास पढ़ने आना पड़ेगा। ए, हम तो सुने हैं बहुत चंडालिन मैडम है। अबे तुम लोग डर का है बबे? हम है ना, देखना दो ही दिन में ऐसे छुट्टी। आखिर बकरे की माँ कब तक घास खाएगी? जो उन्हें समझ लो मैडम जी। अभी एक कंटा फोक देंगे, सारी समझ बाहर आ जाएगी। तुम लोगों के बहुत शिकायत सुने हैं हम, लेकिन फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स के बहुत कहने पर हमने तुमको पढ़ाने का फैसला लिया है। ए, अबे टीचर हैं कि जज हैं जो ये फैसला कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन? कस प्रोडक्शन? अरे बही त्रिपाठी, प्रोडक्शन नहीं इंट्रोडक्शन। बही त्रिपाठी नहीं है हम, बबलू त्रिपाठी नाम है हमारा। हाँ ठीक है, तुम बैठो। बस इसी तरह सब अपना अपना नाम बताएंगे, जैसे कि मेरा नाम है सुकीर्ति। सु 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 कीर्ति। ए, तुम उठो और नाम बताओ। हमारा नाम है डगलस मेहता। मैं डगलस हो कि ढकलेट हो? अबे क्या बोला तुमने? ढकलेट, ढक्कन प्लस पगलेट को मिलाकर बना ढकलेट। हमारा नाम है संयम बनर्जी। और तुम? जी रिया त्रिपाठी। अब रिया त्रिपाठी की सीरिया त्रिपाठी। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे देश के बारे में। देखे किसकी जी के कितनी अच्छी है, कोई जानता है हमारे देश का राष्ट्रपति क्या है? हम बताएं? हाँ बताओ जी। बड़की बिलाल। क्या? बाघ जी बाघ। ठीक है, कोई बताएगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हम बताएं जी, रंग बिरंगी चिड़िया। सही से बोल। जी मोर करे मोर। मुझे सही सही जवाब दो, अगर अब किसी ने घुमा फिरा के जवाब दिया तो उसको मूर्खा बना दिया जाएगा। वह टीचर है कि जादूगर है? क्या बोला तुमने? पता हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? ये जड़गण मन है, जड़गण मन। शुक्र है, बैठ जाओ तुम। और हमें हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं राष्ट्रगान बज रहा हो तो हमें सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। मैडम जी, हमारे एक तो सवाल रहा। हाँ पूछो। अगर कतो राष्ट्रगान बजत हो वही लागे हुए राष्ट्र पशु आ जाए तो वह खड़े रहे कि बाकी भाग जाए कि वह? क्या बेवकूफ का सवाल है? बैठो चुपचाप। अच्छा खड़ी हो। टेबल पर चाय किसने गिराई? इस वाक्य को अपनी मातृभाषा में बोल के बताओ। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा। अरे उनका हैया लाई जाए केकर आग फूटी रही रे जब हम आज चाहिए आ रहे थे। मैंने मातृभाषा कहा।
अंधा कहते हैं। और जिसे सुनाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अरे कुछ भी कह दो साले, उसको कौन समझ आता है। तुम इतनी देर से चुप बैठे हो, कुछ बोलोगे कि चुप बैठे रहोगे? क्या बोले? ए बी सी सुनाओ। ए बी सी और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप बताओ मैडम। अरे हम पूरी एबीसीडी सुनाने को बोल रहे हैं, ए से जेड तक। ए से जेड तक तो नहीं आती। ठीक है गिनती सुनाओ, एक से दस तक गिनती सुनाओ। एक से दस तक, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ और दस। पाँच के बाद सीधे सात, और छह कहाँ गया? छह तो मर गया ना। मर गया? कैसे मर गया? आज सुबह टीवी में देखे थे, बता रहे थे स्वाइन फ्लू से छह की मौत हो गई है, सुन के बहुत दुख हुआ। अरे अरे आपने मैडम क्या किया? क्या किया? आपने तो इसको मार डाला। अरे नहीं नहीं, हमने नहीं मारा। अरे मारे भैया, अरे मारे भैया, ककरे साथ है पढ़ैया भैया, मारे भैया, ककरे पेंसिल मिटर अब चोरा, मारे भैया, अरे बबलू भैया। अरे ऐसे क्या रो रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ उसको, हम देखते हैं। चुप रहो। अरे डैनियो चुप गई, लाखों हमसे तोरे लगे पढ़ाई, हथियार क्रांति में कहर तो का भगवती ले जाए। ऐसा मत बोलो, तुम टीचर है तुम्हारे। अरे आग ला गई तोरे जैसे टीचर के, हट जो ना तो मैं चप्पलें बचाए जब तोरे में। अबे तुम तो मर गए थे ना बे। अरे नहीं यार, हमारे अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गए रहा। एक नंबर के कलाकार ही हो तुम। चलो अच्छा है, इसी बहाने मैडम से छुटकारा मिला।